नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन, और पाइए नवी मुंबई और पनवेल से जुड़े ताजा तरीन खबरें। चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पर वाशी के शिवाजी चौक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के ताल पर थिरक कर और पार्टी के झंडों के साथ जश्न मनाया गया और अपनी खुशी का इजहार किया। बार का जो चुनाव का मुद्दा था वो हमारा काम के ऊपर में था, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, महिलाओं के लिए बस सेवा, जो वो टैक्स जनता देती है उसी के आधार पे हमने काम के ऊपर वोट मांगा था, जो दिल्ली की जनता ने हमें आम आदमी पार्टी को चुना और अरविंद केजरीवाल जी को सीएम बनाया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता और मुंबई के और महाराष्ट्र के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग एक राजनीति पारदर्शित और ईमानदारी की राजनीति आम आदमी पार्टी करती है, और आप सभी लोग जुड़ो और आने वाले नवी मुंबई इसका बीएमसी चुनाव है उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और हमारे जो मुद्दे होंगे वो विकास के मुद्दे होंगे और ईमानदारी से मुद्दे होंगे, उसको हम जोर शोर से मुद्दे को लेकर के ज़मीन पर उतरेंगे और लोगों तक घर घर पहुंचाएंगे, और हमें विश्वास है कि नवी मुंबई की जनता और महाराष्ट्र की जनता ये समझ चुकी है कि काम के ऊपर बातें होनी चाहिए, काम का मुद्दा होना चाहिए और काम करने वाले को वोट देना चाहिए, अच्छे लोगों को जिताना चाहिए। जिस तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपना कार्य किया है उसी तरह सब स्टेट अपने उसी तरह कार्य करें सब। जैसे आम आदमी पार्टी ने म्यूनसिपाली जो स्कूल है उसको अच्छा किया है, वैसे सारे स्टेट में सब लोग अपने अपने म्यूनसिपाली जो स्कूल है उसको अच्छा से न्यू क्रिएट करें, यानी उसी को अच्छा बनाए। इसी तरह सब स्टेट में आम आदमी पार्टी अपना कार्य करे और मोटिवेट करे सबको। आम आदमी पार्टी की जीत एक आम कार्यकर्ता और एक हर एक दिल्लीवासी की जीत है, और दिल्ली वासियों का मैं सहदिल धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक सकारात्मक राजनीति को जिंदा रखा। एक आशा, मतलब पूरे देश में एक आशा जागी है कि हाँ विकास की राजनीति को भी एक सहयोग मिलता है। पहले इस राजनीति में लोग धर्म, जाति, ये सारे मुद्दे लेकर के आते थे, और सच में देश की जनता की रिक्वायरमेंट क्या है, जो भी समस्याएं हैं उनकी मूल समस्याएं लाइक शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके अलावा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मूलभूत समस्याओं पे जो काम करने वाली सरकार चाहिए वो आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया, और दिल्ली की जनता ने फिर से ला करके ये बता दिया कि दिल्ली की जनता और देश की जनता विकास की राजनीति चाहती है। देश की जनता को ये धर्म के नाम पर भड़का कर या और जो मुद्दे वाकई आम जनता के लिए नहीं होते हैं उन मुद्दों पे भड़का कर और गुमराह नहीं कर सकते हो, और सारी राजनीतिक पार्टियों को आगे किस तरह से आपको किस मुद्दों पे चुनाव लड़ना है वो आज की जीत ने बता दिया है कि देश की जनता वाकई में क्या चाहती है। और एक सारे जो दिल्ली में जो भी नेता हैं वो एक आम कार्यकर्ता से नेता बने, तो इस चीज़ से एक और चीज़ देश की जनता को एक आशा जागी कि हाँ एक आम कार्यकर्ता भी नेता बन सकता है अगर वो देश की मूलभूत समस्याओं पे काम करे। मुझे तो बहुत खुशी मिली इस बातों का, और इस भी खुशी मिली कि हमारी जनता जो एक याद ताजी ले आई कि जैसा चाहेंगे वैसा मिलेगा, तो वो केजरीवाल मिले मुझे, मैं इसलिए बहुत खुश हूँ और जनता भी खुश है, और उम्मीद ये रखता हूँ कि हमेशा खुश रहेंगे। ऐसी सरकार अगर आती रहेगी तो कभी हम लोग दुखी में नहीं रहेंगे, हमको यही चाहिए और कोई बात नहीं है। आज देखिए कितनी महंगाई, कितनी परेशानी, क्या जनता के आंखों से आंसू भर दिया, क्या नहीं हुआ यहाँ, क्या चीज़ नहीं मिला, ये आए हैं तो इनसे हमको खुशी मिली कि भाई ईद मैंने आज मनाया, ये मुझे खुशी मिली आज, ऐसी खुशी हमेशा मिलती रही केजरीवाल की वजह से। ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पे आम आदमी पार्टी जो जीत के आई है वो काम पर जीत के आई है, ये ऐसे फैंटेसी बना के नहीं आई है जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में कुछ ऐसा करके नहीं आई है, और पूरा काम, पूरा ये एजुकेशन, पानी, रहने का और स्वच्छता, इस पे आई है, स्वास्थ्य, इस पे आई है। साथ ही नवी मुंबई में आने वाले नगर सेवकों के चुनाव में आम आदमी पार्टी किन मुद्दों के साथ उतरेगी,
इस बारे में बताते हुए कहा, हम लोग पूरा 111 इसके लिए वार्ड के लिए भी उतरने वाले हैं और हम लोगों का पूरा काम चालू हुआ है ऑलरेडी और सब जगह से अभी बहुत ऑफर्स भी ये है हम लोगों को और प्लस अभी आगे जाके नवी मुंबई में भी हम लोग लड़ेंगे। नवी मुंबई में भी सेम हेल्थ रहेगा, एजुकेशन रहेगा, बिकॉज एजुकेशन प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बहुत हाइक हो रहा है और प्लस नवी मुंबई एजुकेशन के अंदर अपने को खाली 8 स्टैंडर्ड तक आपको इंग्लिश मीडियम मिलता है, वो भी एक या दो स्कूल, बाकी का स्कूल में किधर भी इंग्लिश मीडियम्स नहीं है, जो हमारा बच्चे लोगों को बहुत ज़रूरी है। आगे जाके कॉलेज नहीं है NMMC का, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट दूसरा तरीके से जो भी लगता है बच्चे लोगों को, लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, हमारे पास उतना जगह भी है और उसके ऊपर कोई भी ये नहीं हो रहा है, तो हम लोग आगे जाके ये मैटर्स के ऊपर हम लोगों को ज़्यादा काम करने के लिए सोच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कांबळे के साथ अभिषेक राय की रिपोर्ट, नवी मुंबई आवाज़।